बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबियुम व आदमो बैनुल मैवतीन वालिवैतही तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन मबादो फकत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात सलावात बाबा ज़िबुल बल्ल दुआओं परवरदिगार आलम हम सबका इस फर्श अदा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस की मौला दिली मकासिद पूरे फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई खाली दामन ना जाए। जो अपने दिल में जायज़ शरी हाजात रखते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके से परवरदिगार सबकी हाजात पूरी फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़ुहूर जल्द फरमा। हमारे इमाम को हमसे राजी फरमा। एक सलावात बाबा ज़ैब अल-बल्ली जी का। रिसालत इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मारूफ हदीस मैंने तिलावत की है जिसमें सरकार फरमा रहे इन्नल हुसैना मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात। फरमाया मेरा बेटा हुसैन हिदायतों का चराग है और निजात की कश्ती है। कौन कह रहा है? रसूल। लोगों को मारफते हुसैन अलैहिस्सलाम से रोशनास करा रहे हैं। आप जितने भी अब बैठे सारे मेरे लिए काबिले थाम मोहतरम बाबा सैयद अलमदार शाह साहब और उनकी पूरी बात भी संगत की मालिक तौफीकात में इजाफा फरमाए। जिया भाई इनके ब्रादरान नईम भाई शाहिद भाई और दीगर जितने भी अब यहाँ बैठे मालिक सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। रसूल ने फरमाया हुसैन हिदायतों का चराग है और निजात कश्ती है। हुसैन हिदायतों का चराग है तभी तो शबे आशूर सुल्तान करबला ने चराग बुझाया। पूछने वालों ने कहा मौला ये क्या किया? कहा मैं दुनिया को बतलाना चाहता हूँ कि जो दुनिया का चराग है वो बुझ जाता है, जो हिदायत का चराग है वो रोशन रहता है। जो हिदायतों का चराग है वो हमेशा रोशन रहता है, जो दुनिया के चराग है वो बुझ जाता है। तारीख इंसानियत में दो हस्तियां हैं जिन्होंने निजात की कश्ती बनाई। कितने? दो। एक जनाबे नूह और एक हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम। दोनों हस्तियों की मुख्तसर से वक्त में एक दो फर्क आज के बतलाना चाहता हूँ। दोनों कश्तियों में फर्क क्या? कश्ती जनाबे नूह ने भी बनाई निजात की, कश्ती सुल्तान करबला की भी है। फर्क क्या? जनाबे नूह की कश्ती निजात की बनी, छह माह चली और रुक गई। हुसैन की निजात की कश्ती आज भी चल रही है। बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। मौला आपको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं दोबारा कह देता हूँ, मैंने कहा जनाबे नूह की कश्ती चली छह माह और फिर रुक गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निजात की कश्ती मिसले इमाम बारगाह आज भी चल रही है और हश्र तक चलती रहेगी। जिसका जी चाहे वो जिक्र हुसैन में बैठकर, ये सफीनतुन निजात है कि जिसमें आप बैठे हुए हैं। जो वाजे और बुनियादी फर्क है वो ये है हजरत नूह और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती में। जनाबे नूह ने जब निजात की कश्ती बनाई तो ऐलान किया कि जिसे निजात चाहिए वो इस कश्ती में बैठ जाए। मासूम फरमाते कि दुनिया में जो जो शय आज बाकी है वो नूह की कश्ती में सवार हुई थी। थोड़ा सा और देखिएगा, क्या कहा? जो जो शय आज बाकी है वो जनाबे नूह की कश्ती में सवार हुई थी। दखला इबलीस फी शक्ल हिमार, शैतान भी गधे की शक्ल में कश्ती नूह में सवार हुआ था। पूछने वालों ने कहा कि तेरा तो काम वर्ग लाना है, तू क्यों बैठ गया? उसने कहा आज हुज्जत का ऑर्डर सख्त है, बचेगा वो जो इस कश्ती में बैठेगा। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। निजात उसी को मिलेगी जो इस कश्ती में बैठेगा, इसलिए वो बैठ गया। और फिर जो मौला का जो फरमान है कि रूह जमीन पर जो शय आज बाकी है वो जनाबे नूह की कश्ती में सवार हुई थी। अब अगर आप सब बेदार हैं तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि क्या फर्क है नूह और हुसैन की कश्ती में। जनाबे नूह की कश्ती में रिया भाई जो जैसा बैठा, मंसूर भाई वो वैसा,
नहीं समझे आप साहिबान? भाई जनाबे नूह की कश्ती में जो जैसा बैठा वो वैसा उतरा, कुत्ता बैठा कुत्ता उतरा, शैतान बैठा शैतान उतरा, बशर बैठा बशर उतरा, मगर हुसैन की निजात की कश्ती के क्या कहने, बैठा गुनाहगार उतरा अलैहि सलाम। लुत्फाया साहबा ने उतरा, मौला आपको सलामत रखे, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। मैंने कहा जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम की निजात की कश्ती में बैठा गुनाहगार, बोलिए उतरा अलैहिस्सलाम। जो समझ गए समझ गए, जो बच्चे नहीं समझे उन्हें बताऊं नाम हो रहे, जो था गुनाहगार मगर हुसैन के पास आया तो अलैहिस्सलाम हो गया। और कितना करीम है हुसैन, अगर बोले तो जुमला आज का और सुनाऊं, जब हुर आया है ना निजात की कश्ती में सवार होने के लिए तो इमाम के कदमों में गिरा, गिरकर कहने लगा मौला क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? नहीं आप सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, पहले जैसे जुमला है वैसे कहूंगा, अगर मैंने समझा दिया तो बात आगे लेके चलूंगा, ना समझा सका तो मैं रोक कर उसकी तशरीह कर दूंगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरा, गिर के कहने का मौला क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? हुसैन फरमाते नाम हाँ अल्लाह तुझे माफ करता है। हाय 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 मेरे साहब नहीं समझा, सब शायद मैं नहीं समझा सका, फिर समझिएगा क्या कहा, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? तो इमाम ने क्या फरमाया हाँ अल्लाह तुझे माफ, सब बोले करता है। हुसैन ने ये नहीं कहा कि रुक मुझे मुसल्ला बिछाने दे, रुक मुझे दुआ मांगकर मालूम करने दे कि उसने तुझे माफ किया है या नहीं। हुसैन ने कहा मेरा तौहीद से रिश्ता ऐसा है कि अगर मैंने कह दिया हाँ तो उसने भी कह दिया। बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी, नहीं मैं लुत्फ लिया, फिर मैं मेरा तौहीद के साथ रिश्ता ऐसा है कि अगर मैंने कह दिया हाँ तो उसने भी कह दिया, अगर मैंने कह दिया ना तो उसने भी कह दिया। बोलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हज को उमरा में तब्दील करके, यानी जो काफिला आज चला वो फिर मक्का रुका, मक्का से फिर वो कर्बला आया, और फिर देखिए कि फर्क क्या है। कल तक जहां कोई कदम नहीं रखता था आज लोगों ने वहां मस्कन बना लिया। हाय हाय थोड़ा सा और बोलिएगा, थोड़ा सा और बोलिएगा, भाई कल तक जहां कोई रुकना पसंद नहीं करता था घबराता था आज लोग वहां रहते हैं। अगर मैं जुमला बदल कर कहूं तो ये होगा कि सुल्तान कर्बला ने हज को उमरा में तब्दील करके बंजर जमीन को मौला बना दिया। हाय हाय फिर बोलिएगा भाई बंजर जमीन को मौला बनाया। कामिल ज़ियारात शायद भाई हमारी दुआओं की बड़ी मोहर पर किताब है, वहां से एक बात याद आ गई, अगर कहीं तो मैं आपको तो आज की पेश करूं। चौथे मौला से एक शख्स ने पूछा मौला आपके बाबा हुसैन ने हज को उमरा में तब्दील करके बंजर जमीन को रहती दुनिया तक मौला बनाया। इमाम ने कभी शक कहने का मौला मेरा एक सवाल है कि अब अगर एक शख्स मक्का जाए तो उसका क्या इनाम है, और एक शख्स कर्बला जाए तो उसका क्या इनाम है? इमाम फरमाते सुन जो मक्का गया उसे एक हज का सवाब, जो कर्बला गया उसे 70 हज के बराबर सवाब। हाय 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 बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी। घबराए हुए तो नहीं आप साहब ने मतलब, फरमाया जो मक्का गया उसे एक हज का सवाब, जो कर्बला गया कितने 70 हज के बराबर सवाब। साइल अल्लाह अकबर क्या कहने, तो फिर मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। अगर ये सारे बोले साहिल के चेहरे पर सवालिया निशान आ गया, कहने का मौला 70 हज? इमाम ने कहा हैरान हो गया, कहने का जी। इमाम ने कहा अपनी हैरत में इजाफा कर 70,000 हज। आप बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, इमाम फरमाते अपनी हैरत में,
इमाम फरमाते अपनी हैरत में इजाफा कर 70,000 हज। कहलगा मौला 70,000 हज? इमाम ने कहा हैरान हो गया। कहलगा जी मौला। इमाम ने कहा हैरत में मजीद इजाफा कर 70,00,000 हज। मौला 70,00,000 हज? इमाम ने कहा खामोश, वो जो काबा वाला हज है वो अल्लाह की मर्जी कबूल करे या रद्द कर दे। कब्र हुसैन ऐसा हज है शायर अभी घर से निकलता है अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। तब जो है आप साहब घबराए हुए तो नहीं आप साहब मतलब फरमाया जाहिर अभी घर से निकलता अल्लाह अल्लाह उस पर जन्नत। तो जिसकी जियारत के लिए घर से कदम बाहर निकालने पर वो जन्नत वाजिब करता है अल्लाह जाने उस हुसैन की मवद्दत के बदले में क्या अता करे। हाय 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 अल्लाह अकबर। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि भाई अभी एक कदम बाहर निकाला पहुंचा भी नहीं। अच्छा ये देखिए इमाम चूंकि मोमिन का लोगों का हदफ जन्नत है तो इमाम ने फरमाया अभी वो घर से कदम बाहर निकलता है अल्लाह उस पर जन्नत। याद नहीं कि छठे मौला के पास साहिल ने आकर शाहिद भाई कहा था कि मौला जो आपके दादा की जियारत को करबला जाते ना तो जिस कश्ती में वो सफर करते हैं वहां का मल्ला बड़ा चलाक है वो जाहिर हुसैन को जानकर क्या करता है कि वो कश्ती को पलट देता है कलश्ती को कश्ती को उल्टा देता है। और मैं मौला वो सब के सब दरिया में चले जाते हैं वो डूब जाते हैं। इमाम ने कहा खामोश वो कश्ती समंदर या दरिया में नहीं जन्नत में पलटती है। हाय 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 बहुत मेहरबानी जनाब बहुत मेहरबानी मोहल्ला आपको सलामत रखे आले मोहम्मद आपको बात रखे तवज्जो नहीं मैं तवज्जो चाहूंगा क्या कहा वो जन्नत में पलटती है वो कहीं और नहीं जाती अल्लाह हू अकबर। तो फरमाया जाहिर अभी घर से निकलता बहुत मेहरबानी अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता। चलिए जुमला आज का और समाप्त कीजिए। मासूम फरमाते कि जब इमाम हुसैन अलैहि सलाम का जाहिर घर से बाहर निकलने लगा भाई देखिए जिसने ये अपना सारा घर बाहर छोड़ा है तो उसके बदले में अल्लाह ने क्या दिया है जरा ये समझिए बस इस बात को आज की समझिएगा। शायर घर से निकलता अल्लाह जन्नत वाजिब करता है। मासूम फरमाते कि जब हुसैन का जवार घर से कदम बाहर निकालता है तो अल्लाह 70,000 मलाइका को निदा देता है। वो निदा सुनिएगा क्या मेरे फरिश्तों की परवरदिगार मेरी तस्बीह छोड़ो जमीन पे जाओ। पाले वाले क्या करना जाकर फरमाए ये जो हुसैन का जाहिर घर से निकला है इसे ऐसे घेरे में लो जैसे हाजी काबा को लेता है। तवज्जो है आप साहब अच्छा तवज्जो है आप साहब क्या कहा कि जैसे हाजी बोलो सब बोलेंगे तो उल्फाएगा जैसे हाजी काबा को घेरे में लेता है ऐसे तुम जाकर हुसैन के जाहिर को घेरे में लो। मौला हमने करना क्या है परवरदिगार हमने करना क्या है फरमाया हुसैन के जाहिर के साथ करबला जाना है हुसैन के जाहिर के साथ करबला से वापस आना है। पालने वाले ये पूरे रास्ते में हमारी ड्यूटी क्या है आवाज गुजरत आती है 70,000 मलाइका तुम्हारा बस एक ही काम है क्या ये सांस लेगा तुम तस्बीह लिखना। हाय 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 नहीं समझे आप साहिबान थोड़ा सा और जागिएगा मौला आपको बारके क्या फरमाया ये सांस लेगा और तुम इसलिए अलमदार भाई आपको आशूर पर करबला जाते हैं हम भी कोशिश करते हैं कि साल में एक आध बार जाए आज के इस मजलिस में जो बैठा है मालिक उसे करबला मौला जरूर लेकर जाए जिंदगी में वो एक बार जरूर जाए जो गया है वो बार बार जाए जो नहीं गया वो जिंदगी में एक मरतबा जरूर जाए। मासूम फरमाते हैं कि करबला में जाकर अमाल करना जियारत करना ये तो सब दूर की बात है सरकार सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते जो बंदा करबला में जाकर फकत सो जाए। हाय हाय हाय
तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। तो फरमाया मलाइका उसके गिर्द उसके हिफाजत में उसका तवाफ करते। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। किसकी? जी जी, करीमी तो ऐसी, अल्लाहु अकबर, हाय हाय, करीमी तो ऐसी है कि मासूम फरमाते हैं कि मोमिन की जन्नत अलग है, मासूम की जन्नत अलग है। और फिर फरमाए मासूमीन में से हम तेरा की जन्नत अलग है, हुसैन की जन्नत अलग है। हाय हाय, क्यों अलग है? फरमाया इसलिए कि किसी न किसी मासूम के साथ जन्नत में जाने के लिए कोई ना कोई शर्त है। हुसैन इस हद तक करीम है कि उसने कोई शर्त नहीं रखी, बस वो ये देखता है कि जमीर है और जमीर जिंदा है तो उसका रहबर हुसैन है। तवज्जो चाहूंगा, 70,000 मलाइका को निदा देता है कि मेरी तस्वीर छोड़ो, घेरे में लो, ये सांस ले, तुम तस्वीर कर। अगर बोले तो मैं आज के जुमला और कहूं, ये सांस लेगा तुम तस्वीर करना। मासूम फरमाते हैं कि जब वो हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से वापस होकर आ जाता है ना, फरमाया वो अपने घर में जाता है, फरमाया फरिश्ते उसके दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। इसी जुमले के लिए आज की मैंने सारी मेहनत की है। फरमाया 70,000 मलाइका कहते परवरदिगार तूने हमारी ड्यूटी लगाई, हम इसके साथ करबला मौला गए, इसके साथ करबला से वापस आए, ये सांस लेता रहा, हम तस्वीर लिखते रहे, अभी अपने घर चला गया, हम कहां जाए। उस वक्त गुजरताती या मलाइका थी किफ बेबाबे अब्दी, ए मेरे मलाइका अब तू मेरे अब्द के दरवाजे के बाहर खड़े रहो। परवरदिगार करना क्या है? फरमाया तस्वीरें पढ़ पढ़ कर इसके नामे अमाल में लिखते रहो, पालने वाले कब तक? इला यौमे मौत, ही जब तक ये मरता नहीं है। तवज्जो है आप साहब, घबराए क्या? फरमाया इला यौम मौत, जब तक ये मरता नहीं है। और बात अगर यहां तक होती तो शायद लोग जरिए हुसैन अलैहिस्सलाम की और कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत को कुछ शायद आम ही समझते। बात आगे भी है, अगर कहें तो सुनाऊं। मासूम फरमाते कि जब जाहिरे हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता तो फरमाया फरिश्ते उसके गुस्लो कफन में शरीक होते। हाय हाय, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा सा और बोलिएगा। क्या कहा? फरिश्ते उसके गुस्लो कफन में शरीक होते हैं। फरमाया उसका जनाजा उसके घर वालों के साथ लेकर जाते हैं। और सातवें इमाम से जब साहिल ने पूछा था कि मौला एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों की मोहब्बत इताअत मवद्दत में बसर कर दे तो मौला बदले में आप लोगों से क्या मिलता है? मेरे सातवें इमाम ने फरमाया था इससे बढ़कर हमें मानने का फायदा क्या लोगे, जब तुम मरते हो हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। हाय 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 हाय, जो है आप साहब, फरमाए हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं। तो इधर मलाइका गुस्लो कफन में मौजूद, इधर मासूमीन नमाज जनाजा में शरीक। मासूम फरमाते कि जब हुसैन के जाहिर को दफन कर दिया जाता है लोग घर को चले जाते हैं तो फरमाया 70,000 मलाइका मुखातिब होते, परवरदिगार तूने हमारी ड्यूटी लगाई, हम इसके साथ करबला गए, इसके साथ करबला से आए, जब तक ये जिंदा रहा हम इसके लिए तस्वीर पढ़ते रहे, अब ये दुनिया से चला गया हम क्या करें? उस वक्त बाद गुदत आती है मेरे मलाइका अब तुम मेरे अब्द की कब्र पर खड़े रहो। करना क्या है कब्र में खड़े होकर? फरमाया वही काम, तस्वीर पढ़कर इसके नामे अमाल में लिखते रहो, पालने वाले कब तक? फरमाया इला यौमिल कयामा, जब तक कयामत नहीं आती। आए हाय अल्लाह, तवज्जो, तवज्जो है आप साहब। फरमाया बहुत मेहरबानी जनाब, जब तक ये मरता नहीं और फिर कब तक का? जब तक कयामत नहीं आती। तो एक मरतबा ज़ाहिर हुसैन अलैहिस्सलाम बनने का इनाम ये है कि सब, और वैसे भी
70,000 मलाइका। साहिल ने ना छठे मौला से पूछा था कि मौला फरिश्तों की तादाद कितनी है, ताकि एक और बात आगे आज की मैं लेके जाना चाहता हूँ, मौला फरिश्तों की तादाद कितनी है। इमाम फरमाते तेरे समझने के लिए बस काफी है कि अल्लाह ने जब से रूहे जमीन पर कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम को बनाया है उस वक्त से रोजाना 70,000 मलाइका कब्र हुसैन पर आते हैं, तवाफ करते हैं और फरमाए वापस जाते हैं। इमाम फरमाते सुन, जो पहले दिन आया उसकी दोबारा बारी कयामत तक नहीं आ सकती। अल्लाह बहुत मेहरबानी, पढ़े लिखे साहिबान बैठे हैं, मौला आपको आबाद उशार। फरमाया जो पहले दिन आया उसकी बारी दोबारा कयामत तक नहीं आ सकती। तो फिर एक जुमला कहूं बकौले मेरे उस्ताद मोहतरम के, दुनिया खतरनाक हद तक जालिम है, हुसैन खतरनाक हद तक करीम है। हाय हाय हाय, दुनिया खतरनाक हद तक जालिम है, हुसैन खतरनाक हद तक करीम है। क्या ये करीम ही नहीं कि एक फरिश्ता जो पहले दिन कब्र हुसैन पर आया, वो जब एक बार बोसा लेकर चला गया तो उसकी बारी जैसा दोबारा कयामत तक नहीं आ सकती। तो ये हम पर हुसैन का कितना करम है कि हमें एक बार बुलाता है तो हम दिन में 10-10 बार उसके रोजे की जाली का बोसा लेते हैं। बोलिए, इससे बढ़कर हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमी हम पर क्या होगी, कितना करीम है और क्यों ना हो। हुसैन के आजादार पर हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमी इतनी क्यों है, इसलिए कि हुसैन के अजादार की खिलकत के सबब में सैयदा की दुआ शामिल है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। मजलिस ये हमेशा ऐसी ये रूहानियत से भरपूर होती है और अल्हम्दुलिल्लाह साल साल से मैं भी हाजिर दे रहा हूँ और इंशाल्लाह देता रहूंगा, आप भी इसी तरह आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। मालिक पूरी मातमी संगत, हवेली मुरीद शाह, बाबा आलमदार शाह साहब, इनकी पूरी संगत को आबादो शाद रखे कि ये एहतमाम करते हैं उस मजलिस का कि जिसमें सिर्फ ये ही बताना मकसूद होता है कि 28 रजब को मगरिब के बाद हुआ क्या। सदा ये आई मदीना में मगरिबैन के बाद, रसूल कैसे रहेंगे अब हुसैन के बाद। अज्रुकुमल्लाह, ये अल्लाहु अकबर, ये रोने की रात है। बड़ी मुश्किल से अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रवानगी आपको हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना से किस तरह हुई, इख्तिताम में आखिर में पढ़ने वाले मौला के मदाखान सुनाएंगे। मैं तो तैयारी का एक जुमला आज का आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सुल्तान करबला का ये मामूल था कि मगरिबैन की नमाज के बाद नाना की कब्र पे आते, कुरान की तिलावत करते और फिर अपने हिस्से वाली बहन से मिलने जाते और फिर अपने घर जाते। अल्लाह करे अगला जुमला मैं समझा दूं, मैंने आपसे पहले कहा मैं तो तैयारी का बस ही एक जुमला सुनाना है। रवानगी आपको इख्तिताम में पढ़ने वाले अल्लामा साहब आपको इंशाल्लाह सुनाएंगे। आज का ये जुमला सुनना, 27 रजब जो आपने कल की रात गुजारी है, हुसैन नाना की कब्र पे कुरान की तिलावत कर रहे थे, वलीद ने कासिद भेजा, क्या कहलवाया हुसैन, वलीद ने दरबार में बुलाया है। हुसैन तिलावत बन करके जो दरबार की तरफ चले तो रुक गए। हुसैन ने सोचा अगर दरबार में देर हो गई तो वो तो दरवाजे पे खड़ी खड़ी मर जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज्रुकुमल्लाह, तैयारी कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, वो तो दरवाजे पे खड़ी खड़ी मर जाएगी। इमाम ने फैसला किया कि मैं बहन के पास जाता हूँ और सिर्फ बतला के तो मैं दरबार की तरफ चला जाऊंगा। अज्रुकुमल्लाह, अल्लाह करे आज का ये जुमला भी मैं आपको समझा दूं। हुसैन आए बहन के पास, बहन भाई के इंतजार में खड़ी हुई है।
अजरकुम अल्लाह। बहन भाई के इंतजार में खड़ी हुई है, भाई को आता देखा बिस्मिल्लाह, आ मेरा भाई, अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। आइए आइए क़िबला, आगे तशरीफ लाइए, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप और हमारे उस्ताद की जगह है क़िबला, अल्लामा हाफिज तसद्दुक़ हुसैन साहब तशरीफ लाए। और क़िबला मैं एक जुमला आज का कहकर और मिंबर आपको देना चाहता हूँ। जब बहन ने भाई को आता हुआ देखा ना, हुसैन ने सलाम किया, बहन ने जवाब देकर कहा आ भैया अंदर चल। हुसैन ने कहा ना बहन, आज मैं बैठने नहीं आया, मैं नाना की कब्र पे कुरान की तिलावत करता, वलीद ने कासिद भेजा, मैं पहले दरबार में जाने लगा, फिर मैं रुक गया कि मालूम नहीं दरबार में देर ना हो जाए, और तू इंतजार करती करती रहे। क्या एतमाद उठा हुआ था अली की बेटी का दरबार से, दरबार का नाम आया, हुसैन के हाथ को मजबूती से पकड़ा, रो के कहा हुसैन बहन मर जाएगी, तुझे दरबार जाने नहीं देगी, इसी दरबार ने मेरी अम्मा के बाल सफेद, अजरकुम अल्लाह, इसी दरबार ने मेरी अम्मा के बाल सफेद किए। दोनों बहन भाई जो रोने लगे, जनाबे अब्बास के हरम ने ये मंजर देखा, जनाबे अब्बास के पास आई, आकर कहने लगी आप यहाँ फजल को प्यार कर रहे हैं, उधर किसी बात पर बहन भाई रो रहे हैं। अब्बास ने तलवार नियाम से निकाली, अकबर कासिम मेरे होते हुए मेरा सरदार और मेरी शहजादी रोए, अब्बास को जो आता देखा, अली की बेटी ने दामन छोड़ दिया, रो के कहा हुसैन अब जहां जाना चाहता है चला जा, मैं तुझे अपने अब्बास से वापस।